गाइज वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी हैप्पी विथ सिंपल लाइफ कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ सो so, अभी यहाँ पर आप जो ये व्लॉग देख रहे हो आप लोग को पता ही है ये जो आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा था ये उसी का ही सेकेंड पार्ट है उसमें आपने मॉर्निंग का सारा सीन देखा हुआ है कि मैं अपने बेटे के बर्थडे में आप लोगों के साथ मंदिर गई हुई थी और फिर मैंने उसमें बताया नहीं था कि अब मंदिर के बाद मैं अब कहाँ जाऊँगी तो अभी आपने देख लिया स्टार्टिंग के व्लॉग के स्टार्टिंग में ही मतलब कि मैं आई हूँ वहाँ से आने के बाद मंदिर में दर्शन हो गए फिर रास्ते में ही मतलब पड़ता है हवा महल तो फिर हमने हवा महल घूम लिया और उसके बाद बहुत जल्दी हो रही थी हमको इसलिए कुछ शूट भी नहीं हुआ फटाफट से हवा महल घूमे हमने और उसके बाद अभी ये मैं आपको बाहर की सारी चीज़ें अच्छे से शो करा रही थी क्योंकि क्या है ना यहाँ पे शॉप बहुत अच्छी अच्छी हैं चाहे हर एक चीज़ से रिलेटेड चाहे आपको कुछ भी चाहिए हो चाहे आपको ईयर हो या फिर आपको बैंगल्स हो या फिर ड्रेस वगैरह हो या घर को डेकोरेट करने का आइटम सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं यहाँ पर तो मैंने कहा चलो आप लोगों को एक बार अच्छे से दिखा दूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसीलिए मैं आपको यहाँ पे शो करके अच्छे से दिखा रही हूँ ये देख सकते हैं आप लोग मतलब आपको मैं बताऊँ ना सारी ट्रेडिशनल चीज़ राजस्थान की जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें वो आपको इस मार्केट में सारी मिल जाएंगी तो यहाँ पर मम्मा है मेरे साथ में तो ये देख सकते हो आप लोग मेरी ब्यूटीफुल सी मम्मा और बस यही है और यहाँ से भी सारी चीज़ें हमने अच्छे से घूम घाम ली और जैसे हम लोग बोलते हैं घूम घाम लेना वैसे ही मैंने बोल दिया तो ये देखिए आप लोग हवा महल है जस्ट हम उसके बाहर ही खड़े थे तो अंदर से तो आपको हम कुछ भी नहीं दिखा पाए बहुत अंदर छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं इतनी खिड़कियाँ इतनी ढेर सारी खिड़कियाँ हैं और बहुत छोटी छोटी सी खिड़कियाँ हैं जैसे हैं बोलते हैं कि रानी वगैरह यहाँ पे बैठा करती थी इस तरह से जैसे बाहर से दिख रहा है अंदर से बिल्कुल उतना ही खूबसूरत है और काफ़ी अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगा ये मैं सेकेंड टाइम आई हूँ मैं इससे पहले भी घूम चुकी हूँ तो बस मम्मी लोग को घुमाने के लिए आई थी मैं सभी को तो ये देख सकते हो आप लोग बहुत ही प्यारा है और उसके जस्ट सामने यहाँ पे बिल्कुल ऑन रोड है तो यहाँ पे ये यह देख सकते हैं आप लोग तो बस अब हम यहाँ से भी निकलेंगे और अब यहाँ से हम कहाँ गए थे यहाँ से हम गए थे शॉपिंग वगैरह हमने की और उसके बाद फिर हम निकल गए थे हमको मार्केट जाना था तो मार्केटिंग हमने करी उसके बाद फिर हम अपने घर गए तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी बट मैं मार्केट गई थी इसके बाद वो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊंगी आपके साथ क्यों क्योंकि उस समय मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मार्केट में हौज पौच बहुत ज़्यादा थी रश बहुत ज़्यादा था तो और बहुत ज़्यादा मतलब नाइट का भी हो गया था सीन तो वो कुछ साफ़ साफ, साफ दिखता नहीं इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया यहीं तक का शूट किया मैंने आप लोगों के लिए तो ये देख लीजिए हमारी तीनों बच्चियाँ हैं ये देख ये देख लीजिए ये श्रद्धा है बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी मेरी श्रद्धा और वो केशव बहुत जिद कर रहे थे उनको ऊपर बैठना है रेलिंग में तो हमने उनको वह बिठा दिया ये मेरी प्यारी सी नंदिता है तो ये देखिए केशव यहाँ बैठे हुए हैं ये बड़े बॉय हैं और ये देखिए ये रोने लगे मम्मा मुझे यहीं बैठना है इसी जगह बैठना है तो चलो भाई बैठ जाओ बच्चों की भी जिद पूरी होनी चाहिए कभी कभी ऑल टाइम नहीं बट कभी कभी इनकी जिद भी पूरी करनी चाहिए अगर आप कर सकते हो तो सो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से एक बार आपको अच्छे से दिखा दूँ मैंने सोचा तो मैं ये दूर से दिखा रही हूँ हम रोड क्रॉस कर चुके हैं और फिर मैं यहाँ से आप लोग को दिखा रही थी कि एक बार अच्छे से देख लो हवा महल हवा महल बहुत खूबसूरत है गाइस कभी भी राजस्थान आइए ज़रूर घूमिए जयपुर तो बहुत सुंदर है बाकी यहाँ पे हमारे भाई हैं और अब हम लोग फाइनली यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद आपको जो भी चीज़ें आप देखोगे वो सारी चीज़ें घर में हमने कैसे सेलिब्रेट किया अपने बेटे का बर्थडे वो सारी चीज़ें आपके साथ आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ है ना तो चलो अब यहाँ से हम निकलते हैं वो हमारे जवाई साहब हैं स्वीट से जवाई साहब है हमारे और सिस्टर छोटी वाली चलिए अब चलते हैं यहाँ से सीधे घर ओके गाइस तो अभी हम अपने घर आ चुके हैं और ये है बडे बॉय का केक आप लोग देख सकते हो तो ये उनके मौसा जी ने गिफ्ट दिया है उनको सो इसीलिए लिखा हुआ है केशव मौसा जी करके आप देख सकते हैं तो ये केक बहुत टेस्टी था बहुत टेस्टी जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा सारी चीज़ें तो बस अभी सेलिब्रेट हम करेंगे बर्थडे बॉय का बर्थडे मनाएंगे हम बहुत धूमधाम से तो बोल सकते हो नहीं मनाया लेकिन हाँ फैमिली के साथ हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया तो ये देख सकते हो यहाँ पे तीनों सिस्टर्स हैं इनकी केशव की ये पिंक ड्रेस पहने ही हमारी यशस्वी है जिसको हम प्यार से बोलते हैं तकु <laughs> और यहाँ पे श्रद्धा है और बाकी जो ग्रीन पहने हैं ड्रेस वो है श्रद्धा और जो पिंक है वो तो आपको पता ही है वो है नंदिता तो बच्चे बड़े क्यूट से लग रहे थे एक्चुअली क्या है बर्थडे जो होता है ना उसमें बच्चों की खुशी होती है और तो कुछ नहीं है तो हमने इसलिए बच्चों को एकदम बढ़िया से बैलून वगैरह देखे यहाँ पे हमने उनको बोल दिया कि बैठ जाओ आराम से आप लोगों की अच्छी सी क्लिप ले लें क्योंकि क्या होता है ना इस यही सारी चीज़ें एक याद रह जाती हैं है ना तो मैंने बोला आप लोग बच्चों लोग बैठो अच्छे सी क्लिप लेती हूँ मैं आप लोगों की यहाँ पे देख लीजिए अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है केक कटिंग का है ना तो इसीलिए मैंने चारों बच्चों को टेबल के बिल्कुल फ्रंट मैंने खड़ा कर दिया मैंने कहा अब यहीं खड़े रहो अब हम केक कट करेंगे हाँ इसमें क्या है कैप बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छा लगता है ना बिल्कुल उसी गेटअप पे रहो केक कटने वाले पे बहुत से लोगों को नहीं पसंद हो रहा है भाई मुझे बहुत पसंद है केक वगैरह कटता है तो बच्चे कैप वगैरह लगाते अच्छा लगता है हाथ में बैलून वगैरह हो क्योंकि ऐसे ही देखते आ रहे हैं हम लोग है ना केक वगैरह कटता है तो ऐसी होता आ रहा तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन इससे पहले हम केक कटिंग करने से पहले हमारा जो एक प्रोग्राम होता है छोटा सा प्रोग्राम होता है आरती का कार्यक्रम हम वो करेंगे इसके बगैर तो हम कभी केक नहीं काटते है ना तो ये आरती प्रोग्राम हम लोग करते हैं और थोड़ा सा बड़ों जो भी घर में बड़े होते हैं उनसे आरती दिला के और आशीर्वाद दिला देते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं और हमें अच्छा लगता है ऐसे करना तो बस हम वही कर रहे हैं तो मम्मी ने हमारी यहाँ पे आरती वगैरह कर दी है बाबू की केशव की तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं भी थोड़ी थोड़ी हेल्प कराती जा रही हूँ क्योंकि मम्मी को अभी एक हाथ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस वजह से तो थोड़ा बहुत मैं भी मम्मी की हेल्प कर रही हूँ हेल्पर बन के तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर तो बस अभी केक का केक कटने का कार्यक्रम है और ये बार बार बैठ जा रहे थे तो मम्मी बोल रही थी कितना बार बार बैठ जा रहे हैं बाबू सो यहाँ पे देखो मैं भी कुछ ना कुछ कर रही हूँ मम्मी के साथ है ना मैं भी अभी देख रही हूँ उस टाइम मैंने नोट नहीं किया था और जो ये शूट है मेरी सिस्टर ने किया है तो मम्मी बोल रही थी मैं कर लूँगी मैंने कहा नहीं, नहीं मम्मी मैं पकड़ती हूँ मम्मी बोली नहीं मैं कर लूँगी सो यहाँ पे मम्मी बाबू को आरती दिला रहे हैं ये देख सकते हैं आप लोग अच्छे से और ढेर सारा आशीर्वाद दिया है मम्मा ने ढेर सारा तो कहना कि अच्छा लगता है इस तरह से तो मैं तो डांस कर रही हूँ क्योंकि साथ ही साथ म्यूज़िक भी चल रहा था वो वाला नहीं होता है बर्थडे वो बर्थडे का कौन सा है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है बार बार दिल ये दिन ये आए बार बार दिल ये गाए ऐसा करके वो वाला सॉन्ग चल रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा डांस कर रही थी और अभी केक देखो कट हो चुका है बात ही बात में मैंने ध्यान भी नहीं दिया तो केक कट हो चुका है बाकी जो बूम वगैरह करते हैं ना वो भी हमने कर लिया तो इसीलिए पूरा टेबल ही ख़राब हो गया देखो ना यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे है ना चलो कोई नहीं वो तो क्लीन कर लेंगे हम तो बस यहाँ पे अभी अपनी बहनों को सिस्टर्स को आ, केक वगैरह खिला रहे हैं केशव और अब है मस्ती टाइम और अब हम करेंगे डांस तो देखिए आप लोग कौन कौन डांस करता है और हाँ एक बात बता दूँ आप लोगों को डांस की जो आप केवल देख सकते हो म्यूजिक जो नहीं सुन सकते क्योंकि आप लोगों को पता ही है म्यूज़िक मैं इसमें नहीं चालू कर सकती वो मैंने पूरी की पूरी ऑफ कर रखी है और मेरा मन तो बहुत हो रहा था कि चलो एक बार म्यूज़िक डाल के इस तरह से करते हैं बट क्या होता ना कि जो भी मेरी मेहनत है वो बेकार हो जाती सो तो इस वजह से म्यूज़िक ऑफ है यहाँ पे तो कोई नहीं आप लोग ऐसे ही इंजॉय कर लो ऐसे ही अच्छा लग रहा है देखने में है ना तो मुझे मैं भी अभी देख रही हूँ मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी जो शूट कर रहे हैं वो तो बाई शूट कर रहे हैं आप लोग को पता ही चल गया होगा तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों ने पहले कोल्ड ड्रिंक कही है और इसे हमने चेयर्स किया और इसके बाद हमेशा मेरी मतलब शुरू से आदत है मेरी तो क्या बचपन से आदत है ये कोई भी चीज़ होती है ना सिप करने वाली तो मैं उसे क्या चेयर्स करके ही पीती हूँ मुझे अच्छा लगता है चेयर्स करना सो इस वजह से तो यहाँ पे ये छोटी वाली सिस्टर है डांस कर रही थी बहुत अच्छा डांस करती है ये बहुत अच्छा और लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ बट मुझे क्या लगता है कि मेरी जो सिस्टर्स हैं सबसे बड़ी वाली दीदी हैं उनको तो नहीं आता लेकिन जो मेरे से एक बड़ी हैं और एक छोटी हैं ये दोनों बहुत अच्छा डांस करती हैं देखो क्या क्या कमर भटक रही है बहुत अच्छा डांस करती मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छा डांस करती हैं ठीक है तो यहाँ पर ये और हाँ हमारी ये जॉइंट साहब हैं जिनको मैंने अभी आपको पहले भी मिलाया है तो इनको भी थोड़ा बहुत डांस आता है बहुत छुपुर स्तंभ निकले ये भी मुझे पता नहीं था मुझे लगता रहा जवाई को डांस नहीं आता है लेकिन जवाई को भी डांस आता है तो थोड़ा बहुत तो सभी कर लेते हैं ना सो so, वही वाला है और यहाँ पे हम एक बार फिर से चेयर्स हमारा चल रहा है यहाँ पे ये देखिए ये तो ये है औरिजिनल पार्टी है ना तो बस इसी तरह से हमने सेलिब्रेट किया और हाँ डिनर वगैरह का क्या था कि हमने सारी चीज़ें बाहर से ही ऑर्डर कर ली हैं क्योंकि आप लोगों को पता ही है मॉर्निंग से तो हम बाहर ही हैं ठीक है ठेके? और घर आके फिर हम पूरा डिनर तैयार करते तो इसके लिए फिर परेशान नहीं होना पड़ता ना सो इस वजह से मेरे पतिदेव जी बोले और जवाई भी बोले कि कोई नहीं हम तो बाहर से ही मंगाएंगे तो सारा खाना हमने बाहर से ही मंगा लिया है जो भी हमें खाना था अपना पसंदीदा फूड हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया है तो वो भी आ चुका है तो मैं आपको दिखाऊंगी और हाँ यहाँ पे कौन सा गाना चल रहा था ये तो मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैं सुना नहीं सकती पर बता सकती हूँ मुझे बहुत पसंद है गाना बहुत ज़्यादा वो वाला नहीं है आम, कौन सा गाना है यार मुझे अभी मिस हो गया माइंड से आम, हम यारों के हैं यार बड़े ने किससे हैं अपनी दिलदारी के ना ना लौट पड़े हथियारों की है पावर इतनी यारों की ये वाला गाना है तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और अभी इस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा था तो ये देख लो आप लोग मैं उसी पर मैं पूरा डांस मैंने किया था लेकिन पूरा डांस का तो नहीं डाला अब बहुत लेंथी हो जाता वीडियो उस कारण तो बस थोड़ा थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर किया है छोटी छोटी सी क्लिप और यहाँ पे अभी भाई डांस कर रहे हैं तो म्यूज़िक सुना म्यूज़िक तो बस इतना ही आपको मैं सुना सकती हूँ इससे ज़्यादा नहीं सुना सकती वो भी खैर आप लोगों सबको पता ही है किस वजह से हम दोनों भाई बहन डांस कर रहे थे और बस अभी हम कर और हाँ डांस करते करते टाइम कितना हो गया आप लोग वो भी देख लीजिए ओके गाइस गला आप लोग देख रहे हो सुन सकते हो गला मेरा पूरा बैठ गया है और अभी टाइम कितना हो रहा बताती हूँ मैं आप को टाइम हो रहे बारह बज रहे रात के और गला बिल्कुल खराब हो गया है जो डांस कर कर के गाना गा गा के गला पूरा बैठ चुका है और मेरा वैसे भी गला बहुत जल्दी बैठ जाता है थोड़े से शोर से गला मेरा बैठ जाता है और बहुत थकान हो रही है और अभी जा रहे डिनर करने और जो भी हमारा डिनर है हमने सब बाहर से मंगाया है तो भी आपको मैं दिखाती हूँ और आपको मैं घड़ी शो भी कराती हूँ टाइम कितना हो रहा ओके गाइस सो यहाँ पे आप लोग अभी टाइम भी देख लीजिए कितना हो रहा है यहाँ पे ये देखिए बारह बज रहे हैं रात के बारह बज रहे हैं और पार्टी अभी जारी हमारी यहाँ पे चल रही है पार्टी और बैकग्राउंड शोर बहुत ज़्यादा था मतलब गाने का जो म्यूज़िक था वो बहुत तेज़ था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को साफ समझ में नहीं आएगा क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी आवाज़ ऐसी बैठी हुई है इस वजह से फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा और अभी मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा हमारा जो ऑर्डर था हमारे खाने का वो आ चुका है तो मैंने कहा चलो आप लोग को एक बार अच्छे से शो करा दूँ और पहले हमने सोचा था कि हम अपना जो बेटे का बर्थडे है वो पार्टी हम बाहर ही सेलिब्रेट करेंगे लेकिन फिर क्या सोचा कि बाहर जिस तरह से आप सेलिब्रेट करते हो घर में उससे भी अच्छे से हम कर सकते हैं क्योंकि बाहर क्या है ना बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती और घर पे हमारी अपनी फ्रीडम होती है हमारी अपनी मर्जी होती है हम कैसे भी अपना नाच गा सकते हैं तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं सो इस वजह से घर पे हमने सेलिब्रेट किया बाकी आप देख लीजिए हमने क्या क्या ऑर्डर किया था खाने का तो यहाँ पर ये दो बैग हैं इसमें हमारा पूरा अपना जो भी है डिनर का सारा सारा इसी में आइटम है तो ये तो हम ये भी मैं निकालती जाऊँगी बताती जाऊँगी इसमें क्या क्या है तो ये दाल मखनी थी जो मैंने दो ये बाउल में निकाली है, बड़े बड़े बाउल में वो दाल मखनी थी और ये है पनीर मसाला फुल मसाला वाली सब्जी हमने मंगाई थी और खाना बहुत टेस्टी था गाइस बहुत टेस्टी था खाना मतलब सभी को बहुत पसंद आया खाना तो ये है फुल मसाला पनीर और उसके साथ में दाल मखनी थी बाकी यहाँ पे सारे ग्रीन सैलेड हैं और इसके साथ में रायता है ग्रीन सैलेड और रायता और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये है बटर रोटी और ये बटर रोटी है और ये है ग्रीन सैलेड और वो तो प्याज़ वगैरह थे और उसके संग में रायता था, था ग्रीन सैलेड हमने मंगाया था और यहाँ पे ये है फ्रेंच फ्राइज़ और हमने अपने बच्चों के लिए मंगाई थी चारों बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ उसके साथ में सॉस है आपने जो देखा वो है सॉस तो ये हमारा पूरा अपना हमारा डिनर था तो काफ़ी हो जो हो गया था हम लोगों को ये और राइस हमने राइस भी था इसमें इसके साथ में लेकिन अभी मैं शायद से मैं भी शायद भूल गई राइस भी था इसमें तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने के लिए और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है थकान भी बहुत हो रही है क्योंकि आपको पता है जो ये मेरा व्लॉग है सुबह से चल रहा है मॉर्निंग से भले ही मैंने इसके दो पार्ट क्यों नहीं कर दिए लेकिन थकान तो उसी दिन हुई थी मुझे पार्ट तो मैंने अभी इसके दो किए हैं सो so, बस आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक छापना लाइक छापना बिल्कुल मत बोलना गाइज है ना आपके लाइक को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो प्लीज़ लाइक छापना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना सो so, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे सो so, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल गाइज बाय